ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? मैं सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से बिहार की सरकार से भी, कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है वो कांवड़ियों की भावना, उनकी आस्था को देखते हुए लिया है, सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, मैं सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से बिहार की सरकार से भी, कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कांवड़ एक बहुत बड़ी तपस्या है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, इसी तरह सभी सरकारें कांवड़ियों की इस तपस्या के प्रति नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और आप काफी समय तक कांग्रेस में शामिल रहे, लेकिन कल से एक बाजार चर्चा बिल्कुल गर्म हो रही है कि आपने भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? सच बात करना, सनातन की बात करना, राम की बात करना, श्री कल्कि धाम की बात करना, शास्त्र की बात करना, पुराण की बात करना, क्या कोई राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करने जैसा है? क्या सच्ची बात करने को, शास्त्रों की बात करने को, सनातन की बात करने के लिए हमें भाजपा ज्वाइन करना जरूरी है? मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं वो क्यों किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे नेता हैं इस देश में जिन्होंने सनातन संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों के साथ साथ भारत के गौरव को बढ़ाने का पूरी दुनिया आज भारत की तरफ एक अच्छी निगाहों से देख रही है। पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु बनाने के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान रही है। तो जिस व्यक्ति ने भारत को गौरवान्वित करने का काम, जिसने भारत के वजूद को बढ़ाया, जिसने भारत के गौरव को बढ़ाया, जिसने भारत के स्वाभिमान को बढ़ाया, जिसने सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में उसके ध्वज को फहराने का काम किया है, मैंने उस नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया।